आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है अय्यूब की पुस्तक 23वां अध्याय। तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते, और इस रीति मैं अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाई ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम की जानकर सुरक्षित रखे। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। इस कारण मैं उसके सन्मुख घबरा जाता हूँ, जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर ही ने कच्चा कर दिया, और सर्वशक्तिमान ही ने मुझको घबरा दिया है। क्योंकि मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ, और घोर अंधकार ने मेरे मुँह को ढाँप लिया है।